कृषि विभाग ने प्रदान नामक संस्था के साथ MOU किया है। इस MOU के संबंध में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रहे, साथ ही उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा सके, इसे लेकर यह MOU किया है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कृषि क्लस्टर के रूप में पूरे राज्य में 100 गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बताते चले कि यह MOU कार्यक्रम नेपाल हाउस में प्रदान संस्था के साथ कृषि विभाग ने किया। आज कृषि विभाग ने झारखंड गवर्नमेंट कृषि के क्षेत्र में हमारी सोच को, आने वाली मिसिंग गैप्स को पूरी तरीके से धरातल पर उतारने और पूरा करने के लिए प्रदान के साथ एक MOU किया है, जिस पर हम इनके रिसोर्स पर्सन का डिफरेंट एक्टिविटीज़ में सहयोग लेंगे और उस पर राज्य सरकार को कोई फाइनेंशियल बोझ। आप जानते हैं कि स्मार्ट विलेजेज की घोषणा हमने की है। स्मार्ट विलेजेज एक पॉइंट होगा जिससे सैकड़ों गांव या जान सकेंगे कि कृषि विभाग झारखंड के गांवों के लिए, यहां के किसानों के लिए क्या कर रहा है। योजनाओं को जानने के लिए उनको बजट की किताब में नहीं, राज्य के राज्यादेश में नहीं, यदि उस गांव में जाएंगे तो सारी योजनाएं मैक्सिमम जो वहां के डेमोग्राफी के अनुसार कवर कर सके, एक रेवेन्यू विलेज और आसपास के विलेज में उनको देख, साथ ही जो गैप है, मिसिंग गैप है, उसकी भरपाई कैसे कर सके, योजनाओं को किस क्षेत्र में प्राथमिकता दें ताकि किसान ज़्यादा सुदृढ़ हो सके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अन्य प्रदेशों में किसानों के लिए वो क्या बेहतर योजनाएं ला रहे हैं, वैसे प्रयोगों को भी झारखंड में लाने के लिए अवेलेबल सजेशंस इनके पर्सनल्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा अभी विभाग के अधिकारियों को दिया जाएगा और हमारे स्तर तक उसकी जानकारी दी जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।